एक बजे से 12 बजे से पहले से सबको पता था कि ये पुल गिरने वाला है। जो जिसको गिरने वाला पता था उनको, सुपरवाइजर को भी पता होगा, उनको साइन नहीं लेना चाहिए, उनको मना करना चाहिए। भ्रष्टाचार का था, टूट गया पुल। गाड़ी वही पुल देखिए वहाँ वहाँ उस जगह लगा दिल के, वही जहाँ लगेला के बाद डायरेक्ट उन्हें दोगले चलो गए वहाँ वहाँ जेना गलो जैता जैता 10 मिनट लागल हेतु जैता जैता जहिना वही जहाँ पहुँचे छे 10 मिनट चढ़ल। नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं द सर्च इंडिया न्यूज। इस वक्त हम आगवानी घाट में हैं और यहाँ पे जो SP सिंगला कंपनी के द्वारा पुल बनाया जा रहा था वो पुल ध्वस्त हो जाता है 4 तारीख को शाम में, लगभग 4 से 5 बजे के बीच। ये पुल में अब ये 2014 में शुरू हुआ था, इसका शिलान्यास किया गया था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, और ये लगभग 14 महीना में 2 बार ध्वस्त हो चुका है। बताइए इसमें किस प्रकार से काम किया जाता है कि बार बार इसको तैयार किया जाता है और बार बार ध्वस्त होता है। और इसमें बताया जा रहा है यहाँ कि एक आदमी भी जिनका इस पे ऊपर में काम कर रहे थे कुछ, वो भी मर चुके हैं और मृतक के परिजन यहाँ हैं। तो आइए हम यहाँ जानना चाहेंगे कि कहाँ आखिर उसके साथ क्या हुआ है। बाकी यहाँ जो आम पब्लिक हैं, अच्छा कैसे भैया ये पुल ध्वस्त हुआ कुछ बता सकते हैं? कैसे हुआ था यहाँ? नहीं थे आप? कुछ बोल सकते हैं? तो हम क्या बोल सकते हैं, हमको थोड़ा पता है। तो ये कैसे हुआ था? कुछ नहीं कैसे हुआ कैसे नहीं ये तो हमको मालूम नहीं है। ये जो हो रहा है ये होना क्या सही है? क्या ये कंपनी तो गलत है? मतलब इसमें बताया जा रहा है कि एक दो आदमी भी मर चुके हैं। मर चुका है तो कैसे है, तो ये तो हम तो नहीं बता सकते हैं। हम तो यहाँ का है नहीं, हम बता सकते हैं ना? आप यहाँ हम क्या बता सकते हैं, बताइए। हम क्या नाम हुआ आपका? हमको नाम तो कासिम नाम है। अच्छा, यहाँ देखने आए हैं आप? यही हाँ, देखने के लिए। चलिए कहीं से हमको तो पता है नहीं। बोला आइए, क्या नाम हुआ आपका? अंकित कुमार। आप जिस टाइम ये पुल ध्वस्त हुआ था आप थे क्या यहाँ? जी हम यहाँ नहीं थे, लेकिन वीडियो से पता चला कि ये पुल उधर से टूटते हुए 13 नंबर पाया से गिरते हुए पूरा गिरा है। पूरी तरह से पुल में बालू मिला के काम किया जाता था, ये रेत लाल बालू के साथ पूरी तरह। भ्रष्टाचार का था, टूट गया पुल। इसमें हमारे गाँव का एक गार्ड देख रहे हैं, मुआवजा के लिए सब आता है, विजय सिन्हा जी आए सिर्फ अपना बयान दे के चले गए, कोई किसी से नहीं मिला। ये किस गांव के थे जो? खिराडी। खिराडी, क्या नाम था इनका? विभास यादव। विभास यादव, वो मतलब इसमें गार्ड का काम कर रहे थे तभी? कहाँ थे? उनका ड्यूटी था 6 बजे से लेके 6 बजे सुबह तक, 12 घंटा का ड्यूटी। 12 घंटा की ड्यूटी मात्र 7,000 रुपया दिया जाता है, जो कि सरकारी पेंशन कम से कम 25,000 रुपया दिया जाना चाहिए। उसमें भी घोटाला करके सिर्फ 7,000 12 घंटा ड्यूटी का देता है। उसमें वो व्यक्ति उस दिन घर से पहले चला और 5:30 बजते पुल पर चढ़ गया। उनका गाड़ी यहाँ नीचे लगा हुआ था, वो जैसे ही चढ़े उसके कुछ देर बाद पुल ढह गया, उसके बाद वो उसी में समा गए। अभी तक उसका खोज के कोई खोज खबर नहीं, सब आता अपना बयान दे के जाता है, पक्षपात करके जाता है। पप्पू यादव जी सुने थे कि कुछ देर हाँ अभी थोड़ा देर पहले आए, आधा घंटा पहले। क्या बताए उन्होंने? वही बताया, इसका जांच होगा, पूरी तरह से इनको मुआवजा देंगे, सरकार से अपील है, वही सब कह के गए वो। उसके बाद SDO साहब को बोले आ रहे हैं, अभी तक वो भी नहीं आए हैं। पप्पू यादव जी कुछ सहयोग किए? सहयोग परिजन हाँ किए हैं, हम तो नहीं थे, बाद में आए हुए बोल रहे हैं 25,000 रुपया दिए थे मुआवजा। फिर मुआवजा इनको क्यों नहीं दिया जा रहा है? मुआवजा नहीं दिया जा रहा, परिवार को 1 भी रुपया अभी तक कुछ नहीं मिला है, 3 दिन से बैठा अभी तक लाश भी खोज के नहीं दे रहा है। ये बताइए, आप एक बड़ी बात बताए हैं कि ये पुल में ये रेत मिलाया जाता था गंगा जी, लाल मिट्टी लाल बालू के साथ ही रेत मिलाया जाता था उजला वाला। इसको देखने वाला उस समय में कोई नहीं था? कोई नहीं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर आलोक झा उनसे पूछता है, जाके बोलता है किसी मंत्री से ऑर्डर लेकर आई, आप कैसे घुस गए कुछ भी पूछने के लिए? प्रोजेक्ट डायरेक्टर सब अपने मनमोनी में रहता है, कोई मीडिया आता बोलता है मंत्री से आदेश लेकर आई, आप कैसे घुस गए कुछ पूछने के लिए? अच्छा, वैसे मतलब पूछ नहीं सकते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं पूछ सकते, लेबर लोग अपना खटो दिन भर, इंजीनियर सब आराम से AC में बैठा रहता है, क्या दिक्कत है? काम जो भी है मतलब पुल गिरा फिर से बनेगा, उनका रिन्यू होवे करेगा, उन लोग का वेतन तो और सब दिन काम चलता रहे, उन लोग को क्या है? जो मरा उनको मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, परिवार 3 दिन से बैठा हुआ इस जगह। मतलब ये तो 14 महीना में 2 बार गिर चुका है। हाँ, एक बार तो बोला आंधी में गिर गया, लेकिन इस बार तो लगता है धूप में ही गिर गया ये पुल। अच्छा, एक बार तो बहाना बनाया आंधी के कारण, इस बार क्या बहाना होगा? एक बार थोड़ा सा टूटा सेगमेंट, इस बार पूरा गिर गया 200 मीटर। अब देख सकते हैं ये
इससे पहले बताया जा रहा था कि आंधी में गिर गया, ये चीज कह के कंपनी जो है अपना दिमाग मतलब हल्का कर लेता था, अपने ऊपर से बोझा हटा लिया, लेकिन इस बार तो कड़ी धूप था। यहाँ के पब्लिकों का कहना है कि कड़ी धूप में ये पुल गिर चुका है, तो आप इस बार क्या कह सकते हैं? तो इससे तो यही स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं इसमें करप्शन है और भ्रष्टाचार में ये पुल बना है, और इसी के वजह से जो है ये पुल अच्छा नहीं है, तो जिस वजह से ये बार बार ध्वस्त हो रहा है। बाकी यहाँ जो गार्ड काम कर रहे थे उनका जो परिजन है उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या आपका कौन थे, वो पति थे क्या? पति थे मेरा। कब आए थे यहाँ काम करने के लिए? 5 बजे शाम में आया था। 5 बजे शाम में आया था। कितना दिन से काम कर रहे थे? 1 साल से। 1 साल से काम कर रहे थे। कितना रुपया देते थे वेतन? 6-7 हज़ार रुपया देता था, 1 रुपया नहीं दिया। पहले 6 हज़ार देता था, इधर 1 हज़ार बढ़ाया है, 1 रुपया नहीं दिया है 1 साल से। अच्छा, इसमें जो उस दिन कितना बजे आए थे घर से? 5 बजे शाम को। आए और पुल पे चढ़े, पुल गिर गया, 13 नंबर पे गाड़ी लगा दिया। वहाँ से ले ना, इधर से घूम जाइए, अथी सुपरवाइजर ने बोला लेके वहाँ से 5 बजे सोच के बोलेला के बाद वहाँ से दस्तखत करी लेके वहाँ से पुल पर चढ़ा दिल के गाड़ी, वही देखिये वहाँ खम्भा वहाँ उस जगह लगा दिल के, वही जहाँ लगेला के बाद डायरेक्ट हुनी दौगले चलो गए वहाँ वहाँ जेना गलो जैता जैता 10 मिनट लागल हेतु जैता जैता जहिना वही जहाँ पहुँचे छे 10 मिनट चढ़ल और गिरल। अभी तक में जो यहाँ नेता लोग आए हैं आप लोग से तो मिले होंगे? कोई नेता बाबू नहीं आए। पप्पू यादव तो आए थे? हाँ, पप्पू यादव तो अभी तो आए हैं। हाँ, मिले हैं। वो लोग क्या बोले हैं, कुछ सहयोग किए? कुछ अभी तक क्या सहयोग, 10-5 हज़ार रुपया दिया तो उससे क्या हुआ? बाकी वो उनका जो है बॉडी खोज के नहीं दिया गया। इसके बारे में क्या कहता है ये लोग? इसको बारे में खाली कहता है इंतजाम हम करेंगे, कहिया करेंगे। कंपनी का जो स्टाफ है या जो उनका इंजीनियर है उसको कुछ नहीं, यही बोल के लेके जा रहे हैं, सब चले भाग गया। 1 बजे से 12 बजे से पहले से सबको पता था कि ये पुल गिरने वाला है, जो जिसको गिरने वाला पता था उनको सुपरवाइजर को भी पता होगा, उनको साइन नहीं लेना चाहिए, उनको मना करना चाहिए कि उधर नहीं जाइए, आज काम नहीं करना है, आज छुट्टी हो गया है, साइन ले लिया भेज दिया वहाँ, भेज दिया यही टाइम है पहुँचा वहाँ पर गिर गया। आप लोग यहाँ उसी दिन से तब हमको कॉल गया कि पुल गिर गया है, कोई नहीं आया आप लोग से? कोई नहीं है, हम यही चाहेंगे कि मेरा पति को निकलवा दीजिए, हम वहाँ मुँह भी देखना चाहते हैं। अच्छा, अभी तक निकालने का भी प्रयास किया जा रहा है? बोलिए। यह सब करता रहो के खाली, अभी नहीं निकला है ना, कोई नहीं ध्यान दे रहा है, कोई ना। क्या कह रहा है यहाँ का जो कोई ना, कोई ना इसमें काम करता था जो बड़ा बड़ा सुपरवाइजर था, उस सब का क्या कहना है? ना कोई नहीं थे, अब बता सकते हैं। देखिए, यहाँ जो इंजीनियर है या जो सुपरवाइजर काम कर रहे थे वो भी फरार हो गए हैं, और ये जो गरीब परिवार से जो बेचारा इस पे गार्ड का काम कर रहा था उनका बॉडी अभी तक नहीं निकला है। इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया बनती है कमेंट बॉक्स में जाके राय जरूर दें। धन्यवाद।